43 द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि हम लोग कोर को लैमिनेट करते ताकि एडी करेंट्स कम हो जाए। अगर कोर ऐसा है तब ऐसे वाले बड़े वाले बड़े लूप वाले एडी करेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोर ऐसे बटे हुए, ठीक है, और एक पार्ट जो दूसरे पार्ट से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, लैमिनेटेड है, मान लो, है ना, तो लैमिनेटेड होगा तो क्या होगा, अब एडी करंट सिर्फ ये स्मॉल स्मॉल वाले पार्ट्स में हो सकते हैं, ऐसे टाइप के एडी करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग लूप नहीं है ना, ये वाला पार्ट इससे मतलब कंडक्ट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, कंडक्ट नहीं कर सकते यहाँ से यहाँ कुछ, है ना, तो ऐसा वाला लूप्स बड़ा होगा, तो छोटे वाले लूप्स ही रहेंगे जो पहले भी थे वो रहेंगे, लेकिन बड़े वाले लूप्स वो गायब हो जाएंगे, ठीक है ना, तो एडी करेंट्स कंसिडरेबली कम हो जाएगा, तो आपका एनर्जी लॉसेस कंसिडरेबली कम हो जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, बाकी सब ऑप्शन बहुत बेकार है। अ ट्रांसिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग अ रेजोनेंट सर्किट विथ एन इंडक्टर एल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सी इन सीरीज प्रोड्यूस ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, तो रेजोनेंट सर्किट का बात हो रहा है ना, इफ़ एल इज़ डबल्ड सी इज चेंज टू 4C द फ्रीक्वेंसी विल बी, तो याद रखना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल टू, जैसे ओमेगा जो होता है 1/LC, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 2π ओमेगा होता है, ठीक है ना, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका होता है, या सिंपली ओमेगा लिखे तो 1 बाय इतना, है ना, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका ओमेगा बाय 2π, ठीक है, या डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी लिख सकते थे, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, तो पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ है जब एल का वैल्यू एल और सी का वैल्यू सी है, मतलब ये रिलेशन देखो, बाद में नया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बाय नया एल का वैल्यू, नया एल का वैल्यू कितना है, एल इज डबल्ड 2L, और नया सी का वैल्यू कितना है 4C, ठीक है, तो अगर इन दोनों का रेशियो ले तो 1 बाय 2π 1 बाय 2π सब कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो अपने पास क्या बचने वाला है, यहाँ तो 8 1 बाय रूट 8 बचने वाला है प्रॉब्ली, नहीं रूट 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पूरे चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 2π 1 बाय 8 LC, है ना, दिस बाय दिस करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, रूट 8 खाली बचेगा, ठीक है, तो एफ डैश इज एफ बाय रूट 8 यानी एफ बाय 2√2 ऑप्शन डी। इन अ सर्किट एल सी आर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ द करंट लीड्स द वोल्टेज ऑफ 45 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ सी क्या होगा, अब करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 45 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका आर, ये एक्सी, ये एक्सएल, ये होता है ना डायग्राम, ठीक है, तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 45, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन सब का रिजल्टेंट जो आएगा, यानी इसको बोलते हैं 1 बाय ओमेगा C माइनस ओमेगा L, और ये R जो रिजल्टेंट आ रहा है, सपोज को दूसरे कलर से ड्रॉ करें तो, ठीक है, तो ये आपका हो गया करंट, है ना, तो करंट EMF से कितना आगे है, फाइ आगे, ठीक है, तो टेन फाइव हम लोग निकाल सकते हैं, अब करंट लीड्स वोल्टेज है 45, है ना, तो ये 45 दिया हुआ है, ठीक है, 45 मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि 10 40 1 होता है, यानी दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ मतलब ये चीज़ मस्ट बी इक्वल टू आर, ठीक है, क्योंकि 45 है ना, तो बस यहाँ से हम लोग को ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है, हम लोग क्या चाहिए, हम लोग चाहिए सी का वैल्यू, ठीक है, सॉरी सी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ओमेगा एल प्लस आर, तो सी का वैल्यू हो गया आपका 1 बाय ओमेगा ओमेगा एल प्लस आर, ठीक है, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2π f, है ना, तो ओमेगा को अगर 2π f लिख दे तो यहाँ 2π f l, ठीक है, ओके, 2π f l प्लस r 2π f l प्लस r 2π f, यानी ऑप्शन सी, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज लूप एज शोन इन द फिगर एंड EMF ऑफ V वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द लूप द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू
कूलम वंस अलोंग द लूप, ठीक है। तो जो ईएमएफ का वैल्यू है वो तो वर्क डन से रिलेटेड होता है ना। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज को आप एक बार लूप के अराउंड ले जाओ, ठीक है ना, तो यहाँ से सपोज स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट करो लूप में, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे चार्ज को ले जाके वापस यहीं पे लेते हैं, ठीक है ना। तो एक राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है, लेकिन हमें पता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस चैप्टर में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बात होगा, तो वो आपका क्या बोलते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता, तो उसके कारण वर्क डन इन क्लोज लूप 0 नहीं होगा, मतलब आप वैसे तो सिंपली बोलो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, तो उसके कारण वर्क डन 0 नहीं होता, ठीक है ना। वर्क डन सिंपली ईएमएफ का जो वैल्यू है उससे निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो ईएमएफ मतलब क्या होता है, ईएमएफ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज पे कितना वर्क डन होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो वी, अगर आपका ईएमएफ का वैल्यू वी वोल्ट है तो यानी एक कूलम चार्ज पे इतना वर्क होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्यू कूलम चार्ज है तो क्यू इंटू वी, ठीक है। तो यही होता है वर्क डन इन वन लूप, अगर दो बार होता तो टू, तीन बार होता तो तीन। तो आपका आंसर होना चाहिए एन, ये कितना नंबर ऑफ लूप्स का बात हो रहा है, इंटू चार्ज जिसको घुमाया जा रहा है या डिस्प्लेस किया जा रहा है, इंटू ये ईएमएफ का वैल्यू, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट एन का वैल्यू यहाँ पे वन है, चार्ज का वैल्यू क्यू है और वोल्टेज का वैल्यू वी है, तो एक सिंपली क्यू इंटू वी हो जाएगा, ऑप्शन ए। कॉयल ऑफ 40 हेनरी इंडक्टेंस इज कंडक्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड द कॉम्बिनेशन इज ज्वाइंट टू टर्मिनल्स ऑफ ए 2 वोल्ट बैटरी, तो टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ सर्किट क्या होगा, ठीक है। तो टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ पे देखो एल आर सर्किट है, ठीक है। तो टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एल आर सर्किट क्या होता है, एल बाय आर, तो एल का वैल्यू 40 है, इसका वैल्यू 8 है, तो ये 5 सेकेंड्स, ऑप्शन ए। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट पासिस थ्रू एनी पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम विल बी, तुम्हें पता है चार्ज चेंज इन फ्लक्स से रिलेटेड होता है, ऐसे चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन बी है ना। अगर आप सोचोगे कि तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो डिराइव करके दिखाया जाता है, आपको ये पता है ईएमएफ d∅dt होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। खाली मैग्नीट्यूड देख रहे हो, चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ईएमएफ इतना है, करंट होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस यानी 1 बाय आर d∅dt, क्योंकि ईएमएफ का वैल्यू d∅dt है, तो इतना, ठीक है। करंट को चार्ज कैसे रिलेट करते हैं, करंट होता है dQ/dt, d∅dt, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो dQ का इंटीग्रेशन आपको चौरल चार्ज दे देगा और d∅ का इंटीग्रेशन आपको चेंज इन, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स है स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स है टोटल चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। dQ तो स्मॉल चार्ज पासिंग है, तो स्मॉल चार्ज पासिंग का इंटीग्रेशन करें टोटल चार्ज पासिंग हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फॉर ए सीरीज LCR सर्किट द पावर लॉस एट रेजोनेंस इज, तो रेजोनेंस में तो फाई का वैल्यू 0 होता है, एट रेजोनेंस फाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, यानी आपका पावर फैक्टर 1 है ना। तो पावर फैक्टर 1 है तो आपको पावर लॉस क्या हो जाएगा, पावर लॉस जब भी पूछे मतलब एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर बोलो या आई स्क्वायर आर बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर वाला फॉर्म में है, ऑप्शन सी, ठीक है। फॉर ए कॉइल हैविंग एल इक्वल टू 2 मिली हेनरी करेंट फ्लो थ्रू इट इज आई इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी, देन टाइम एट विच ई एम एफ बिकम्स 0, ठीक है। तो कॉयल का एल दे दिया है, आई दे दिया है, तो किस मोमेंट में ई एम एफ 0 होगा, तो ई एम एफ कॉयल के लिए क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ई एम एफ जब 0 होगा वो कब होगा, या तो एल 0 या तो डी आई बाई डी टी 0, लेकिन एल 0 नहीं है, एल तो 2 है, ठीक है। तो ई एम एफ 0 होगा, तो ई एम एफ 0 इम्प्लाइज डी आई बाई डी टी 0 या माइनस डी आई वेरी टी 0, फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो डी आई वेरी टी यानी इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करना है, तो आई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी लिखे, तो दिया हुआ क्वेश्चन है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, तो
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगाते हैं, दोनों फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, उसको ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको डिफरेंशिएट करो, इसको ऐसे रहने दो, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम चीज़ आएगा विथ ए माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि ई की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस टी होता है, ठीक है। वही ई के पार जो भी रहेगा पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा, फिर टी का कोफिशियंट नेगेटिव है तो नेगेटिव, जो भी कोफिशियंट रहेगा जैसे माइनस वन है तो माइनस वन सामने आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो टू टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी ज़ीरो। अब ये तो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टी इक्वल टू इन्फिनिटी होना पड़ेगा, है ना, तभी ज़ीरो होगा, तब भी और अप्रोच करेगा ज़ीरो को, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन ये तो ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो दिस इफ प्रोडक्ट ज़ीरो है मतलब ये चीज़ ज़ीरो है, तो टू टी माइनस टू टी स्क्वायर ज़ीरो है, तो टी का वैल्यू ज़ीरो सेकेंड्स आएगा और टू सेकेंड्स आएगा, ठीक है ना। तो ज़ीरो और टू आया, है ना, तो अपने को आंसर मिल रहा है टू सेकेंड। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी हैज़ रिएक्टेंस एक्स, द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम डबल, देन रिएक्टेंस विल बी। तो कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो रिएक्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ये होता है, ठीक है। तो आप अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो और उसको भी डबल, फ्रीक्वेंसी डबल करेगा तो ओमेगा भी डबल हो जाएगा, ठीक है, और सी को डबल कर रहे होंगे तो ये भी टू सी हो जाएगा, तो ये वन बाय फोर, यानी आपका एक्स ई बाय फोर हो गया, क्योंकि ये चीज एक्स ई है, ठीक है। तो नया वाला एक्स ई इज इक्वल टू पुराना वाला एक्स ई बाय फोर, तो वन फोर्थ हो गया, क्योंकि पुराने वाला एक्स ई को एक्स बोल रहे लोग, है ना, पुराना वाला एक्स ई को एक्स बोल रहे, तो नया वाला एक्स ई एक्स बाय फोर। 52 में द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज, तो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू है तो याद रखने वाला चीज़ है क्या होता है, ओमेगा नॉट एल बाय आर, ठीक है, ओमेगा नॉट होता है, ठीक है, ओमेगा दे दिए लोग यहाँ पे, और एल के बदले ओमेगा नॉट एल के बदले हम लोग ओमेगा नॉट सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू वन बाय ओमेगा नॉट सी, क्योंकि रेजोनेंस में दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन इस केस में करेक्ट है, ए और बी दोनों, लेकिन ओमेगा नॉट लिखना चाहिए था। इन द सर्किट गिवेन इन फिगर वन एंड टू आर एमिटर्स, ठीक है, ये एमिटर है, ये भी एमिटर है। जस्ट आफ्टर कीज प्रेस्ड, तो जस्ट आफ्टर का बात हो रहा है, ठीक है, रीडिंग विल बी, तो आपको पता है कि जस्ट आफ्टर सर्किट कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे याद रखना कि पहले यहाँ पे कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, यानी कहीं भी कोई करंट नहीं है, है ना। अगर मान लें इनिशियली अनचार्ज है, उसको मानना पड़े, कुछ बोला नहीं गया है, प्लस मेडिकल क्वेश्चन है तो अनचार्ज ही होगा, वैसे एन ऑफ दिस टाइप का ऑप्शन नहीं तो अनचार्ज ही होगा। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं था, की को बंद करेंगे तो बैटरी करंट सेंड करना चाहेगा, ठीक है ना। याद रखना जस्ट आफ्टर कीस क्लोज्ड के बाद आपका एल बिहेव्स या एल बिहेव्स एज इनफिनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है, और सी बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टेंस, है ना। तो एल हमेशा इन्फिनाइट रेजिस्टेंस से बिहेव करेगा, सी जीरो रेजिस्टेंस बिहेव करेगा, तो इसको रीड्रॉ करो जस्ट आफ्टर के लिए, तो एल इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप तोड़ दो, हटा दो, इससे कोई करंट नहीं जाने वाला, तो इसको मिटा दो, ठीक है। तो यहाँ काट के इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस मोमेंट में जस्ट आफ्टर के लिए, तो इसको हटा दिया तो इस लूप का कोई काम नहीं, तो इस पूरे को हटा देंगे, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में सी को रिप्लेस कर देंगे प्लेन वायर से, क्योंकि सी सी का रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है ना। तो सिर्फ वन रहेगा, सी को तो प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिए, आर वन, और यहाँ पे की क्लोज है और बैटरी, ठीक है, ये जस्ट आफ्टर की क्लोज्ड, ठीक है ना। तो उस मोमेंट में टू के थ्रू करंट जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, इसमें कोई करंट नहीं आएगा, और वन के थ्रू करंट हो जाएगा आपका, वही नॉन जीरो होगा, इसका वैल्यू तो पता नहीं ईएमएफ का, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते। तो जीरो इन वन गलत है, जीरो इन टू होना चाहिए, जीरो इन टू, ठीक है। मैक्सिमम इसलिए बोला गया है कि अगर इसका ईएमएफ वैल्यू ई है तो जो मैक्सिमम करंट इसके थ्रू जा सकता है वो ई बाय आर वन जा सकता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इन वन एंड जीरो इन टू।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन अ 230 वोल्ट लाइन एंड सप्लाईज अ लोड ऑफ 2। यहाँ पे ध्यान देना कि ये कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होगा तो करंट कम होते जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वल टू इन्फिनिटी में देखोगे तो करंट जीरो हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो अब एक आपके पास चार्जिंग कैपेसिटर है तो इसके थ्रू मैक्सिमम करंट टी इक्वल टू जीरो पे होता है, ठीक है। तो इस वन के थ्रू करंट जो होगा मैक्सिमम होगा टी इक्वल टू जीरो पे, यानी जस्ट आफ्टर की इज क्लोज, धीरे धीरे टाइम के साथ कम होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग कैपेसिटर को इग्नोर नहीं कर सकते। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन ए 230 वोल्ट लाइन एंड सप्लाईज अ लोड ऑफ 2 एम्पियर, रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज दिसमच। तो करंट इन द प्राइमरी कितना होगा, ठीक है, ये तो ईजी है। अब यहाँ पे आपको बोल दिया गया है प्राइमरी का ईएमएफ इतना है, ठीक है, और लोड इतना है, लोड मतलब सेकेंडरी में करंट, द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो प्राइमरी बाय सेकेंडरी है 1/25, तो करंट इन द प्राइमरी क्या होगा, ठीक है। तो आपसे आईपी पूछे है ना, तो हम लोग को पता है आईपी इनटू एनपी इज इक्वल टू आईएस इनटू एनएस होता है। अगर 100% एफिशिएंसी है तो यही होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी बताया नहीं गया है और आंसर में नैनो जीज नहीं है तो 100% अज्यूम कर ले रहे, ठीक है। तो आईपी हमें नहीं पता, एनपी यहाँ से 1 पुट कर सकते हैं, तो रेशियो से मतलब है, तो इसको 1x बोलेंगे, 25x बोलेंगे। आईएस का वैल्यू 2 दिया हुआ है, आईएस 2 है और एनएस कितना पुट कर देंगे, 25, ठीक है। तो यहाँ से आईपी का वैल्यू हो जाएगा 50, ऑप्शन बी। टू कॉइल्स हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.005 हेनरी, द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, ठीक है, जहाँ पे आई नॉट एक कांस्टेंट, ओमेगा भी एक कांस्टेंट है, बता दिए उनका वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकंड, ठीक है, तो ईएमएफ इन द सेकंड निकालना है, ईएमएफ इन सेकंड, ठीक है। उसको सपोज मैं E2 से नोट कर रहा हूँ, और अब देखोगे तो आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग माइनस d5/dt नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, ठीक है ना, तो एक्चुअली माइनस होता है लेकिन हमें खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है, और बाय चांस फाइनल आंसर में माइनस आ भी गया तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ईएमएफ का वैल्यू इतना है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। अब क्योंकि म्यूचुअल का बात हो रहा है तो फ्लक्स इन टू को लिखेंगे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू करंट इन वन, ठीक है, डेफिनेशन ही वही होता है। पहले वाले में करंट अगर आई वन फ्लो हो रहा है तो दूसरे वाले में जो फ्लक्स होगा वो एम इन टू आई वन हो जाएगा, ठीक है। अब एम तो कॉन्स्टेंट, एम को बाहर रहने दो, डी आई वन बाय डी टी। तो ईएमएफ इंड्यूस इन टू विल बी इक्वल टू आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल वन, ठीक है। करंट इन कॉइल वन का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, बस क्वेश्चन बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो आई नॉट को बाहर ले लो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू यहीं से दिख रहा है, ई टू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एम आई ओमेगा, एम आई ओमेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है 0.005, आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ओमेगा का वैल्यू 100 पाए, ठीक है, तो हो जाएगा 5 पाए, ऑप्शन बी। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स और सेकेंडरी 5000 टर्न्स, प्राइमरी का सो वोल्टेज है 20, तो सेकेंडरी का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि आपका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना, जितना साइकिल्स प्राइमरी पर रहेगा उतना ही सेकेंडरी में रहना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी 50 वाला ही ऑप्शन होना चाहिए, तो 50 वाला ऑप्शन सिर्फ 2 है, तो ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स देख लो, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स 10 गुना है ना, या आपको पता है ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी, तो सेकेंडरी में 5000 है, प्राइमरी में 500 है, से 10 हो जाएगा, तो ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी 10 टाइम्स ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कितना है, 20, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में 200 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इन एन एसी सर्किट विथ फेज वोल्टेज वी एंड करेंट आई, द पावर डिसिपेटेड इज, तो आपको पता है फेज वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, तो ऐसे बोला गया है कि सॉरी फेज वोल्टेज और करंट दे दिया है, पावर पूछा गया, लेकिन हमें पता है एसी सर्किट में जो पावर में कॉस फाइव ही तो आता है ना, वी नॉट आई नॉट बाय टू इंटू कॉस फाइव, ठीक है, और ये होता है एंगल बिटवीन आई एंड वी, ठीक है। द
तो ये जो तीन ऑप्शंस है इसमें तो एंगल वाला कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो डिपेंड्स ऑन फेज एंगल बिटवीन वी है ना, यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बाकी सब कभी कभी करेक्ट रहेंगे डिपेंडिंग ऑन फाइव का वैल्यू क्या है, एक्चुअली फाइव पे डिपेंड ही करना है, ठीक है। तो ये तो हमेशा करेक्ट है, ठीक है। जैसे फाइव का वैल्यू आप वन ले लोगे तब ये वाला आ जाएगा, है ना। फाइव का वैल्यू मतलब जीरो ले लोगे तो कॉस फाइव वन हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फाइव का वैल्यू कुछ और ले लोगे तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। अ मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड बार मैग्नेट इज स्टॉप्ड थ्रू द रिंग विथ इट्स लेंथ अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग। सपोज ये रिंग है, हॉरिजॉन्टली हेल्ड है, ठीक है। एक बार मैग्नेट को अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग ड्रॉप किए, ठीक है। तो एक्सेलेशन ऑफ द बार मैग्नेट क्या होगा, तो इसका एक्सेलेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब उतना मत सोचो, आप लेंजेस से सिंपली बोल सकते हो कि ये चीज़ का मूवमेंट के कारण इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, तो यही कॉज है, ठीक है। इसका फॉलिंग डाउन कॉज है, तो लेंजेस लॉ क्या बोलते हैं, कॉज को अपोज करता है, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या सब पता करने जरूरी है, इसको अपोज करेगा। तो अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तब ये जी से गिरता, ठीक है। तो इसको अपोज करेगा, है ना, तो अपोज कर रहा है, अपोज करेगा तो जी से कम से गिरेगा, तो लेस देन जी से गिरना चाहिए, समझ में आई बात, ठीक है ना। ये जी से कम से गिरेगा, है ना। अब ज़्यादा अच्छे सुनना है तो ये बात है कि इसके थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहते हैं ऐसे ऐसे, सपोज ये नॉर्थ है साउथ है तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पास आता जाएगा, हमेशा इन्फिनिटी तक रहता है मैग्नेटिक लाइन, यानी कि खाली दो ही ठो रहता है या मैं दो ठो रोके हो तो बहुत सारे रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पास आते जाएगा तो इसके थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस हो रहा होगा, अभी भी कुछ कुछ क्रॉस हो रहा है जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस हो रहा होगा वो चेंज होते रहेगा, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू आपका फैराडेज लॉ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जो कि इंड्यूस्ड करंट सेट करेगा, और वो इंड्यूस्ड करंट ऐसा रहेगा जो कैसा मैग्नेट ऐसा बिहेव करेगा, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, अल्टीमेटली यही होगा क्योंकि उसको अपोज करना है, ठीक है। तो दिस इंड्यूस्ड करंट इन दिस विल बी ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है। इन एन एसी सर्किट द करंट फ्लोइंग इज दिस मच एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस मच, तो पावर कंजम्पशन क्या होगा, ठीक है। तो पावर होता है वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, वी नॉट मतलब सॉरी बाई टू भी होता है, वी नॉट मतलब 200, आई नॉट मतलब 5 बाई टू इंटू कॉस फाई, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, पाई बाई टू का, ठीक है। माइनस पाई बाई टू बोलो प्लस पाई बाई टू तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कॉस के अंदर है तो जीरो आएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। व्हेन द की इज प्रेस्ड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट इन द रेजिस्टेंस ए वी इज ट्रू, तो की को जब प्रेस किए तो इसमें ए वी में करंट के बारे में क्या वो होगा, ठीक है। ओके तो आपको पता है कि की को, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो पैरेलल में तो हाँ सिंपल है, तो देखो यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये आ गया यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। ये 1000 है ना, ये भी 1000 है, ठीक है, और ये 1 माइक्रो फैराड है ना। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा दोनों लूप्स कंप्लीट हो जाएंगे, पहले एक भी लूप कंप्लीट, मतलब ये लूप कंप्लीट था लेकिन कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई करंट नहीं है ना, जैसे ये बंद होगा तो ये बैटरी इस सर्किट का ही पार्ट हो गया, ये बैटरी इस बड़े सर्किट का ही पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब बड़ा सर्किट को अगर देखे तो बड़ा सर्किट जो है उसमें कोई सी वाला पार्ट नहीं, खाली रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, ठीक है। और छोटा सर्किट को देखे तो उसमें सी वाला पार्ट है ना, ठीक है। तो हम लोग को पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा इसके थ्रू करंट घटता जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा तो इसमें करंट घटता जाएगा, तो टी इक्वल टू जीरो पे इसमें करंट जीरो होगा, ठीक है, या मैक्सिमम होगा, सॉरी टी इक्वल टू जीरो पे इसमें करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा ना, टी इक्वल टू जीरो पे इसका रेजिस्टेंस आप जीरो मान सकते हो, तो ये पूरा प्लेन वायर से सर बिहेव करेगा, तो पूरा का पूरा करंट ऐसे जाएगा, इसी के थ्रू जाएगा, ठीक है ना, है ना। कितना जाएगा, 2 बाय R, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है ना। इसमें करंट जीरो जाएगा टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। इसमें करंट जाएगा 2 बाय 1000 ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखे तो यही चीज़ क्या होने वाला है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो आपका
कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, याद रखना डीसी है यहाँ पे, है ना, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है, ड्रॉ करना है तो कर दो, लेकिन ओपन सर्किट ऐसा बिहेव करेगा तो इसमें करंट जीरो हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और पूरा का पूरा करंट इसमें जाएगा, तो इसका कोई रोल है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, तो पूरा पूरा करंट ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों रेशियो क्रॉस करते हुए जा रहा, तो करंट कितना हो जाएगा 2/2000, क्योंकि ये भी 1000 ओम का है, ये भी 1000 ओम का है, तो करंट कितना हो जाएगा 2/टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, हो गया। तो आपका शुरू में करंट कम था, मतलब ज़्यादा था, बाद में करंट कम हो गया है, तो करंट का वैल्यू पूछा, ऑसिलेट तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ चला गया, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है ना, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, ऑसिलेशन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, टी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू टू, एंड विथ टाइम इट गोज टू वन, सही है, यही तो बोलना चाहते हैं, टी इक्वल टू जीरो पर करंट कितना है 2 mA है ना, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 2 mA है, और विथ टाइम इट गोज टू, यानी अल्टीमेटली इट अप्रोचेस 1 mA, ये क्या है 1 mA, ठीक है, ये क्या था 2 mA है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, याद रखना ए वी पार्ट ऑफ द सर्किट में पूछ रहा है ना करंट, तो इसमें जो करंट होगा वही इसमें करंट होगा, और इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा, ठीक है, मतलब इन दोनों में जो करंट का सम होगा वो इसमें होगा, ठीक है, तो इसमें कितना करंट जा रहा है 2 mA, और इसी में कितना करंट जा रहा है 1 mA, ठीक है, इन दोनों का सम 0 प्लस इतना, ठीक है।